Hello students, welcome in our geography class. Today we are going to start a new chapter, Human Occupations Major Types. नाम से पता चल रहा है आज हम लोग ह्यूमन के ऑक्यूपेशन के बारे में बात करेंगे. ऑक्यूपेशन मीन्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज. बट वाई वी स्टडी अबाउट द ह्यूमन ऑक्यूपेशन? बिकॉज मैन ऑक्यूपाइज अ सेंट्रल प्लेस इन द स्टडी ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी. ह्यूमन ज्योग्राफी का जो सेंट्रल प्लेस है वो ह्यूमन ऑक्यूपाई करता है. और अगर ह्यूमन किसी प्लेस को ऑक्यूपाई कर रहा है तो वो बहुत ही ज्यादा सुपीरियर होगा. सो इट मींस मैन इज एन एक्टिव क्रिएचर एंड प्रैक्टिसेस मेनी टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज. फॉर व्हाट? फॉर फुलफिलिंग हिज नीड्स. अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए ह्यूमन बहुत सारे तरीके के वर्क करता है, बहुत सारे तरीके की एक्टिविटीज करता है. सो द ह्यूमन एक्टिविटीज विच ब्रिंग इकोनॉमिक ग्रोथ आर नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज. तो ऐसी एक्टिविटीज जिससे ह्यूमन का इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, इनकम अर्न होती है, उस एक्टिविटीज को इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं. अंडरस्टूड? सो मेंस इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय सेवरल फैक्टर्स. And these several factors are physical and cultural environment. Due to varying physical and cultural environment in different region of the world, man does different economic activities. Right? ये जो different तरीके के varying physical और cultural environment हैं, इनकी वजह से human जो है different तरीके के work करता है, डिफरेंट तरीके के इकोनॉमिक वर्क करता है. यानी कि वो उसे जैसा एनवायरनमेंट मिलता है उसी के अकॉर्डिंग वो परफॉर्म करता है. फॉर एग्जांपल, अगर ह्यूमन प्लेन फ्लैट लैंड पर रह रहा है और वो फ्लैट लैंड जो है फर्टाइल लैंड है, तो ह्यूमन वहां पे कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करेगा? ऑफ कोर्स कल्टीवेशन की. अगर ह्यूमन किसी ऐसे एरिया में रह रहा है जहां रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स हैं, तब ह्यूमन क्या करेगा? ह्यूमन डूइंग द वर्क विच इज रिलेटेड विद दीज मिनरल. इट मींस ह्यूमन एंगेज्ड इन सेकेंडरी सेक्टर इकोनॉमी, मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल वर्क, दैट काइंड ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म ह्यूमन. राइट? लेट मी गिव यू सम अदर एग्जाम्पल्स टू. मैन इज इवॉल्व्ड in food gathering, hunting and lumbering in forests, rearing animals, farming in fertile plains, fishing, extracting minerals, several kind of things, several kind of work performed by human. बहुत सारे तरीके के काम करता है. But students, beside this in favorable condition, he is engaged in activities such as manufacturing industries, transport or trade, economic activities practiced to earn livelihood. And those economic activities which is practiced to earn livelihood are also known as occupations. So human के द्वारा किया गया work जिससे वो अपना livelihood earn करता है, तो livelihood earn करने वाला work occupation कहलाता है. So this chapter is all about human occupation. But let me tell you several things about the human occupation. When the human occupation start, when it's developed, what kind of changing nature find in the human occupation, let us discuss. So our first topic is development and changing nature of human occupations. Students, primitive man used to hunt wild animals and collect forest produce to fill his belly. अर्लियर जो ह्यूमन था अपना पेट भरने के लिए वाइल्ड एनिमल्स को हंट करता था, या फिर फॉरेस्ट से जो भी चीजें उसको मिलती थी उनको कलेक्ट करता था और उससे वो अपनी भूख को शांत करता था. तो मैन वॉज अ स्ट्रॉलर. देयर हैज ऑलवेज बीन एन अनसर्टेनिटी इन प्रोक्यूरिंग फूड एट दैट टाइम. लेकिन जब ह्यूमन प्रिमिटिव ह्यूमन था उस समय उसके लिए फूड सर्टेनिटी बहुत ही कम थी, अनसर्टेनिटी ज्यादा थी. यानी कि उसे अगले वक्त का पेट भरने के लिए भोजन मिलेगा या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं थी. देन व्हाट हैपेंड?
ग्रेजुअली ड्यू टू द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ही स्टार्ट डोमेस्टिकेटिंग यूजफुल एनिमल्स। आगे चल करके ह्यूमन ने अपने इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के कारण नई चीजों को, नए तरीके के एनवायरनमेंट को, नई बातों को अडॉप्ट करना शुरू किया और उनमें से एक था डोमेस्टिकेशन। अब ह्यूमन ने, अ प्रिमिटिव ह्यूमन ने एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया। ही स्टार्ट रियरिंग एनिमल इन ग्रुप्स। व्हाई ही रियरिंग एनिमल इन ग्रुप्स? फॉर फॉडर नीड्स। देन ही स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ट्रांसह्यूमिनेंस। ट्रांसह्यूमिनेंस ह्यूमन का ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से दूसरे जगह जाना। तो बेसिक ह्यूमन नीड्स वर मेट फ्रॉम एनिमल प्रोडक्ट। अब क्या हुआ, ह्यूमन की बेसिक रिक्वायरमेंट तो एनिमल प्रोडक्ट से मिलने लग गई। देन लेटर ऑन द प्रिमिटिव मैन इंस्पायर्ड अ न्यू काइंड ऑफ लिविंग एंड ह्यूमन स्टार्ट लिविंग एट अ प्लेस बाय एस्टैब्लिशिंग कॉलोनीज। व्हेन ही स्टार्ट लिविंग इन अ एस्टैब्लिशिंग कॉलोनीज, व्हेन ह्यूमन doing the agricultural work, when human learn to do agricultural work, then he start living at the establishing colonies. आगे चल करके ह्यूमन ने नई चीजें सीखी, खेती करना सीख लिया, और जब ह्यूमन को एग्रीकल्चर करना आ गया तो उसने सेटल लाइफ भी जीनी शुरू की और अब उसने बनाई बड़ी बड़ी कॉलोनीज, established colonies, जिन्हें आगे चल करके हमने नाम दिया सिविलाइजेशन। तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज वर स्टार्टेड इन फर्टाइल प्लेन्स एंड देन वेरियस काइंड्स ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन डेवलप वेयर इन द रिवर वैलीज एरिया, राइट? एंड आउट ऑफ दीज रिवर वैली सिविलाइजेशन सम आर वेरी फेमस एंड आउट ऑफ दीज वन ऑफ देम इज इंडस वैली सिविलाइजेशन विच इज फाउंड इन इंडिया, Huanghou civilization found in China, Nile River civilization found in Egypt, and Mesopotamian civilization between Euphrates and Tigris rivers. So that kind of several civilization begin in the valley areas, right? Students, economic development gained momentum during Renaissance period along with discoveries, exploration and technological advancement. ये जो economic development है ये और भी ज्यादा बढ़े, और भी enhance हुए जब इनमें exploration और technological advancement हो गया। So economic activities like mining, industry, they are expanded throughout the world during the 18th century. जब ह्यूमन 18th सेंचुरी तक आया, ह्यूमन इतना इंटेलेक्चुअल हो चुका था, इतना डेवलप हो चुका था कि इसने नए तरीके के टेक्नोलॉजिकल चेंजेस अखर किए थे, डिस्कवरी शुरू कर दी थी। तो आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ फॉसिल फ्यूल्स द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हैपेंड, देन ट्रेड एंड कॉमर्स डेवलप एंड पीपल केम फॉरवर्ड टू द सर्विस सेक्टर ऑल्सो। As he urbanized, as the urbanization increased. So in this way, we can observe that there is an order of development in human occupation and this order of development can be divided into following stages. So let me examine according to ages. The first age is called prehistoric age. अभी जो हमने roughly बात की कि human ने अपना establishment एक प्रिमिटिव मैन से लेकर के एक मॉडर्न मैन तक का बहुत ही लंबा सफर दिखा है, तो ये लंबा सफर जो है हम इसको जरा क्लासिफाई कर लेते हैं डिफरेंट पीरियड्स में। तो फर्स्ट पीरियड इज कॉल्ड प्री हिस्टोरिक एंड इन दिस पीरियड ह्यूमन इज यूज्ड टू हंट वाइल्ड एनिमल। प्री हिस्टोरिक समय में ह्यूमन वाइल्ड एनिमल को मारता था, रूट्स जो है वेजिटेबल्स की उनको कलेक्ट करता था, फ्रूट्स को कलेक्ट करता था और उन्हें को कंज्यूम करके अपना लाइफ मूव ऑन करता था, सरवाइव करता था। और उस समय ह्यूमन की रिक्वायरमेंट बहुत ही लिमिटेड थी, बहुत कम थी, फॉरेस्ट में रहता था और छोटी मोटी चीजों से अपनी लाइफ को सस्टेन करता था।
फिर ह्यूमन के रहने का तरीका बदला, उसने शार्प स्टोन्स वगैरह के विडन पोल्स वगैरह को इस्तेमाल करना शुरू किया हंटिंग में, डॉग को असिस्टेंट के तौर पर रखा, बहुत समझदार जानवर होता है डॉग। तो इस तरीके से क्या हुआ, ग्रेजुअली मैन स्टार्टेड डोमेस्टिकेटिंग द यूजफुल एनिमल्स। जब उसने डॉग को अपना असिस्टेंट बनाया, अपना हेल्पर बनाया, तो साथ साथ अदर एनिमल्स को भी उसने डोमेस्टिकेट करना शुरू किया अपने अदर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। और कौन सी एज की बात करें हम लोग, वी आर टॉकिंग अबाउट प्री हिस्टोरिक एज। तो ग्रेजुअली मैन स्टार्टेड डोमेस्टिकेटिंग द यूजफुल एनिमल्स एंड ही गेन्ड यूजफुल थिंग्स बाय दीज एनिमल्स, एंड दीज यूजफुल थिंग्स आर मिल्क, फ्लैश, लेदर, बोन्स एटसेट्रा। तो ही लेड अ नॉमेडिक लाइफ टू मीट आउट द नीड ऑफ वाटर फॉर एनिमल्स। अब इसकी लाइफ नॉमेडिक लाइफ हो गई थी, अपने डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स के लिए फॉडर ढूंढने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह जाता था, और जब ये इस तरीके से मूव करता था, ही डेवलप सम टेम्पररी ड्वेलिंग, टेम्पररी हाउसेस, टेंट हाउसेस, छोटे छोटे से हट्स वगैरह बनाता था। तो मैन स्टार्टेड कल्टीवेशन बाय इंसेमिनेटिंग सीड्स ऑफ यूजफुल प्लांट। आगे चल करके ह्यूमन ने क्या सीखा, बीज को इस्तेमाल करके पौधे उगाना। और जब उसको ये टेक्निक आ गई, तो उसने एक एग्रीकल्चर सिस्टम शुरू किया, एंड दैट एग्रीकल्चर इज कॉल्ड शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। एंड देन ही फॉर्म्ड हट्स फ्रॉम स्प्रिग्स, लीव्स, एनिमल स्किन्स। क्यों किया इसने ऐसा, ताकि अपने क्रॉप्स को और अपने डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स को लुक आफ्टर कर सके, उनकी देखभाल कर सके, यानी कि सेटल्ड होकर के रहना शुरू किया। एंड देन लेटर ऑन ही इन्वेंटेड व्हील्स, इन विच एज, इन नियोलिथिक एज। तो टिल दिस पीरियड मैन हैड लर्न द आर्ट ऑफ मेकिंग यूटेंसिल्स फ्रॉम क्ले, और उसके बाद तक ह्यूमन ने बहुत सारे अदर आर्ट सीखे, और उसने ये भी सीखा कि मिट्टी की मदद से बर्तन कैसे बनते हैं। कौन से एज में, प्री हिस्टोरिक एज में। फिर आया दूसरा एज, एंशियंट पीरियड। तो इन दिस पीरियड डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज लाइक एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, इट ब्रॉट स्टेबिलिटी इन ह्यूमन लाइफ। एंशियंट पीरियड तक आते आते इकोनॉमिक एक्टिविटीज एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के तौर पर ह्यूमन की लाइफ में स्टेबिलिटी आ गई। मैन की जो बेसिक नीड्स थी वो अब आसानी से फुलफिल हो रही थी। अब उसे पहले वाले प्रिमिटिव ह्यूमन की तरह यहाँ वहां नॉमेडिक लाइफ नहीं जीनी थी। तो ही यूटिलाइज दिस प्योर टाइम इन डेवलपिंग हिज आर्ट्स। तो इसने अपना जो खाली वक्त था उसमें बहुत सारे डिस्कवरीज की। स्पेयर टाइम में क्या किया, नए नए तरीके की आर्ट सीखी, स्ट्रॉन्ग मेटल्स का यूज किया डिस्कवरीज के लिए, बहुत सारे यूजफुल आर्टिकल्स बनाए, वेपन्स बनाए, कल्टीवेशन के लिए प्लग बनाए, अब ऑक्स का इस्तेमाल किया कल्टीवेशन के प्रोसेस में, फिर इरिगेशन का सिस्टम सीख लिया। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड इन 2500 BC मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पान सिविलाइजेशन फ्लरिस्ड इन इंडस वैली। हम कब की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 2500 BC की, जब बहुत सारे सिविलाइजेशन में काफी इम्प्रूवमेंट आ चुका था, और उसमें से ही है मोहनजोदाड़ो और हड़प्पान, काफी फ्लरिश हो रहा था ये सिविलाइजेशन इंडस वैली में। और ये सिविलाइजेशन जो है एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है किसका, टाउन प्लानिंग का, अपने खूबसूरत आर्किटेक्चर का। वहीं नाइल रिवर के सोर्स पर इजिप्ट में पिरामिड बन रहे थे, एंड पिरामिड ऑफ इजिप्ट आर इंडिकेटर ऑफ टेक्निकल एडवांसमेंट, कि किस तरीके से ह्यूमन जो था अब टेक्निकल हो चुका था। अब सिर्फ एग्रीकल्चर ही नहीं, एग्रीकल्चर के अलावा कॉटेज इंडस्ट्री भी डेवलप हो रही थी, और अर्बन सिविलाइजेशन भी फ्लरिश हो रहा था, कहाँ पर, ग्रीक और रोमन एरियाज में। देन द थर्ड पीरियड बिगिन एंड वी आर टॉकिंग अबाउट 600 AD टू 1500 AD। तो दिस पीरियड इज कॉल्ड मिडीवल पीरियड, एंड डाइवर्सिटी इन ह्यूमन ऑक्यूपेशन एनहेंस ड्यूरिंग दिस पीरियड इन यूरोप। बेसिकली सेग्नोरियल एंड फेडुअल सिस्टम वॉज प्रिविलेज ड्यूरिंग दिस पीरियड।
मिडिवल पीरियड जो है वो राजाओं महाराजाओं का पीरियड था, फेडरल सिस्टम वाला पीरियड था। एग्रीकल्चर वाज आल्सो डेवलपिंग स्टेडली, बिग सिटीज वर डेवलपिंग ड्यू टू ट्रेड, इंक्रीजिंग एजुकेशन एंड कल्चरल डेवलपमेंट। मिडिवल पीरियड तक आते आते एजुकेशन में, कल्चरल डेवलपमेंट, ट्रेड में फ्लरिश, इन्हेंसमेंट, ये सारी सिस्टम देखने को मिले। लेकिन मिडिवल पीरियड में जो ट्रेड था वो किस तरीके से हो रहा था कन्वे? बार्टर सिस्टम के जरिए। बार्टर सिस्टम तो समझ आता ही होगा, एक सामान के बदले में दूसरे सामान का लेना देना। तो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस वाज ब्रॉट टू सिटीज फ्रॉम रूरल एरियाज एंड फिनिश गुड्स वर ब्रॉट फ्रॉम सिटीज टू रूरल एरियाज। रॉ मटेरियल गांव से आ रहे थे शहर में और फिर प्रोसेस होकर के वापस पहुंच रहे थे गांव में कंजप्शन के लिए। एंड इन यूरोप टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कुड नॉट फाइंड मच स्पेस ड्यू टू डोमिनेंस ऑफ रिलीजियस थॉट एंड ऑपरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल इंडिपेंडेंस। हालांकि सबसे पहला डेवलपमेंट यूरोप में नोटिस हुआ, लेकिन इसको बहुत ज्यादा फैलने का मौका नहीं मिल रहा था क्योंकि उस समय रिलीजियस थॉट्स जो थे वो बहुत ज्यादा थे। लोगों के अपने इंटेलेक्चुअल इंडिपेंडेंस बहुत ज्यादा था, उस समय अपने विचार थे। तो इन दिस पीरियड कॉमर्स, एग्रीकल्चर, कॉटेज इंडस्ट्री, ट्रेड मूवमेंट, ये सब डेवलप हुआ। कहाँ पे? इंडिया में, और काफी हाई पीक पर था। एंड इंडिया लेड द वर्ल्ड इन दिस स्पेयर। और उस समय इंडिया जो था सबसे हाई पोजीशन पे था हर तरीके से, और सबसे ज्यादा समृद्धशाली बना व्यापार के जरिए, क्योंकि इंडिया में हर तरीके की क्रॉपिंग होती थी और इंडिया के मसाले तो वर्ल्ड फेमस थे उसी समय से, मिडिवल टाइम से। फिर एक नया पीरियड बिगिन हुआ एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द लेटर पीरियड ऑफ 15th सेंचुरी। और हम अब तक की बात करें एंड आफ्टर 15th सेंचुरी टिल नाउ दिस पीरियड इज कॉल्ड मॉडर्न पीरियड। तो नाउ ह्यूमन ऑक्यूपेशन रीच्ड एट ऑल टाइम हाई ड्यूरिंग दिस पीरियड। मॉडर्न डेवलप ह्यूमन ऑक्यूपेशन साइन ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। मॉडर्न पीरियड में ह्यूमन का ऑक्यूपेशन जो है बहुत ज्यादा इनहेंस हुआ, इसमें बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नोटिस हुआ। क्यों नोटिस हुआ? क्योंकि अब टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, डिस्कवरी, इन्वेंशन, ये सारी चीजें हो रही थी। ह्यूमन अब टेक्नोलॉजिकल हो गया था, साइंटिफिक हो गया था। तो ह्यूमन प्रैक्टिस सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टनरी, क्यूनरी, ऑल काइंड ऑफ ऑक्यूपेशन एज कम्पेयर टू प्राइमरी ऑक्यूपेशन। जबकि मॉडर्न पीरियड तक या उससे पहले तक ह्यूमन का सबसे मेन ऑक्यूपेशन प्राइमरी ऑक्यूपेशन था, पर मॉडर्न पीरियड में अब ये ऑक्यूपेशन कई तरीके से शिफ्ट हो रहा था, चेंज हो रहा था। इन द पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन विच अकर्ड इन 18th सेंचुरी, ड्यू टू विच मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज वर बीन ऑपरेटेड बाय अनमैन्ड मशीन्स। इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन के बाद में तो ज्यादातर काम अब जो था ह्यूमन लेस हो गया था। एग्रीकल्चर में भी इस मॉडर्निटी को काफी अच्छे से देखा गया। फॉर एग्जाम्पल, हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, एडवांस मशीनरी नाउ यूज इन एग्रीकल्चरल प्रोसेस फ्रॉम 19th सेंचुरी। एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशिंग बिगिन टू बी प्रैक्टिस ऑन एक्सटेंसिव एंड कमर्शियल लेवल। पहले जो अपना इंडिविजुअल कंजप्शन के लिए एनिमल हस्बेंड्री होता था या फिशिंग होता था, अब ये कमर्शियल लेवल पर पहुंच गया था। किस वजह से? ऑटोमेटेड मशीन्स की वजह से। नाउ वेरियस मिनरल्स सच एज आयरन ओर, कॉपर, जिंक, लेड वर एक्सट्रैक्टेड थ्रू साइंटिफिक मेथड ऑन लार्ज स्केल फॉर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज की डिमांड को फुलफिल करने के लिए अब बहुत सारे मिनरल्स को बहुत बड़े पैमाने पर एक्सट्रैक्ट किया जाने लगा मशीनरी की सहायता से। एंड ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी, वेरियस काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट आर मैन्युफैक्चर्ड ऑन एन एक्सटेंसिव स्केल। बड़े पैमाने पर अब प्रोडक्शन हो रहा था। सो नाउ कंट्री बिकम डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्री, दे आर शिफ्टेड। People of developed countries which reach the highest level of development are more into quaternary and penury occupation.
और जिन कंट्रीज में शिफ्ट किया था डेवलप कंट्रीज की तरफ, वो डेवलप कंट्रीज ज्यादातर किस तरीके के ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व हो गई थी? क्वार्टनरी और क्विनरी ऑक्यूपेशन में, जो कि एक तरह का इंटेलेक्चुअल ऑक्यूपेशन का एग्जाम्पल है. होप यू अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन, दिस पीरियड काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन. इन माई नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन ऑक्यूपेशन, कि कितने तरीके के ह्यूमन ऑक्यूपेशन हैं. और ये जो अभी मैंने नाम लिए, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टनरी, क्यूनरी, इसमें कौन कौन से वर्क को शामिल किया जाता है, ये सब मैं आपको बताऊंगी और अपने नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू एंड हैव ए नाइस.